गुसाई थन, ठीक है, हम बोलते हैं थान बोलते हैं, ठीक है, डी एच ए है, गुसाई थन वहां से ओरिजिनेट होती है। और कोसी रिवर को हम लोग बोलते हैं सौरव ऑफ बिहार, ठीक है, सौरव ऑफ बिहार, व्हाई इट इज सेड टू बी अ सौरव ऑफ बिहार, ठीक है, क्यों, इसलिए कि वहाँ पे जो है कोसी नदी से, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा न्यूज में, कोसी नदी से हमेशा जो है वो बाढ़ वगैरह आते रहते हैं, जो उधर के एरिया के होंगे, ठीक है, तो जो आप क्या जो कोसी रिवर है, ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग बोलते हैं सौरव ऑफ बिहार, तो उसका इम्पोर्टेंट नाम भी है, वो पूछा जाता है किसका पार्ट है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो गंगा रिवर सिस्टम का क्या है वो ट्रिब्यूटरी है, तो ट्रिब्यूटरी भी पूछा जाता है, चंबल रिवर के बारे में पूछा जाता है, चंबल रिवर के बारे में आपको बताए थे, ठीक है, चंबल रिवर और उसके बाद शिप्रा रिवर भी बताए थे आपको उसमें, तो पूरा मैप में आपने देखा और क्लियर हुआ मैप में। सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सोन रिवर अमरकंटक से, अमरकंटक कहाँ पे, एमपी में, पिछले क्लास में बताया था ना, गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, गोदावरी लिखवाए थे ना उसमें, गोदावरी तो साउथ की है ना, वो नहीं करवाया, गोदावरी इसमें नहीं करवाया, नहीं करवाया, पूछ रही हूं, ठीक है, गोदावरी रिवर जो है वो हम आपको बताएंगे साउथ में है, वो पूरा पेनिनसुलर रिवर्स है, वो हम डिस्कस करेंगे, अदर रिवर्स में डिस्कस करेंगे, अभी जो है आपका गंगा रिवर सिस्टम का है और दूसरा जो है वो इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद आपका अदर पेनिनसुलर जो रिवर्स है ना वो सभी हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये आपका गोदावरी हो गया, फिर कावेरी हो गया, ये सभी रिवर्स जो है वो साउथ के रिवर्स है, क्योंकि अदर पेनिनसुलर रिवर्स में हम लोग, ठीक है, तो आगे हमारा है इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इंडस रिवर सिस्टम में देखो इसके टेरिटरीज को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जो उसके इंडस के टेरिटरीज हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आपका हो जाएगा जो ये जो है इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, ठीक है, तो तिब्बत के एरिया से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन से कंट्री से पास होती है, तो देखो इंडिया में आती है जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, वो पास होते हुए जो है कहाँ पाकिस्तान के एरिया में जाती है, ठीक है, तो ये जो है इंडस रिवर सिस्टम जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसकी लेंथ के बारे में भी डिस्कस करना है कि लेंथ जो है वो इसका कितना होता है, तो लेंथ के बारे में अगर आप लिखोगे तो लेंथ इसका 2880 किलोमीटर की लेंथ मानी जाती है, ठीक है, लेकिन वो इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट रिवर नहीं है, क्यों, वाह, इसलिए इसका कुछ ही पार्ट जो है इंडिया, ठीक है, इंडिया में आता है, बाकी सभी जो पार्ट्स हैं, जैसे कि जो आधा से ज्यादा पार्ट इधर पाकिस्तान में भी आ जाता है, मतलब आधा से कुछ कम पार्ट, और कुछ पार्ट जो है वो तिब्बत में भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो गंगा नदी से क्या है ज्यादा, गंगा नदी की लेंथ कितनी थी 2525 मींस 2525 किलोमीटर ही उसकी लेंथ थी, समझ में आ रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका इसका लेंथ जो है 2880 किलोमीटर, इंडस रिवर का जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है, ये इंडस रिवर का लेंथ हो जाएगा, समझ में आया, दूसरा सेकंड नंबर पॉइंट इज ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और तिब्बत में कहां से वो हम लोग देखेंगे, तो तिब्बत में ये मानसरोवर से जो है मानसरोवर लेक है, आपको पता है ना मानसरोवर, मानसरोवर लेक, ठीक है, तो मानसरोवर लेक में कौन सी रेंज है, व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ दैट, तो कैलाश रेंज, मानसरोवर में कहां पे कैलाश रेंज, यू कैन सी दैट कैलाश, ठीक है जी, तो मानसरोवर लेक में कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होती है इसमें, तो मानसरोवर लेक कहाँ से कैलाश रेंज पड़ता है, कैलाश रेंज मतलब क्या, कैलाश पर्वत, कैलाश श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कैलाश श्रेणी कहा जाता है ना, कि हिंदू धर्म में माना जाता है कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि होम ऑफ लॉर्ड शिवा भी, इसको हम लोग जानते हैं कि कैलाश जो है वो क्या है, भगवान शिव का निवास स्थल है, हिंदू धर्म में ऐसा हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो कैलाश, अब इसमें ग्लेशियर जो है कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो इसमें आंसर क्या होगा जी, कौन से ग्लेशियर से, मानसरोवर लेक में जो है ना कैलाश रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, तो कौन कौन से ग्लेशियर से जनरेट होती है, कौन से ग्लेशियर से इंडस रिवर निकलती है, सिंकेबाब, हाँ सिंकेबाब तो नहीं है,
चीन के बाप नहीं, कौन सा ग्लेशियर है इसके बाप? चेमा युमडुंग ग्लेशियर, इसका नाम है चेमा, नाम ऑफ दिस इज चेमा युमडुंग ठीक है, इसका नाम है चेमा युमडुंग ग्लेशियर, इसको हिंदी में लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा चेमा युमडुंग तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती कहां जाती है? तिब्बत से इंडिया में, ठीक है, इंडिया में, और इंडिया से पाकिस्तान। तो आप बता सकते हैं कि इंडिया में जो है वो कहाँ पे एंटर करती है, कौन सा जगह है और कहाँ पे एंटर करती है इंडस्ट्री? जम्मू कश्मीर का जो एंट्री पॉइंट है उसका क्या नाम है जहाँ पे इंडिया में? यस, दमचौक। उसका क्या नाम है? दमचौक। उसका नाम है दमचौक, ठीक है जी। इंडिया में दमचौक में एंटर करती है और कहाँ पे? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कहाँ पे ये निकलती है, कहाँ पे निकलती है, ठीक है? नहीं, एंट्री करती है दमचौक में, निकलती कहाँ पे है जी? निकलती कहाँ पे है? पीओके का जो रीजन है ना, पीओके का रीजन, पीओके का मीन्स व्हाट? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका रीजन है, और इसको बोलते हैं चिल्लास। चिल्लास पे ये क्या होती है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखो, जब भी इंडस रिवर सिस्टम निकलती है तो बहुत सारे गोर्ज का फॉर्मेशन करती है। गोर्जेस क्या होते हैं उसको हम लोग समझते हैं, तो बहुत सारे जो है वो गोर्जेस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है जी। तो गोर्जेस का फॉर्मेशन करती है, गोर्ज क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो गोर्ज क्या होते हैं जी, व्हाट अबाउट द गोर्ज? तो गोर्ज जो होते हैं वो आपको पता है कि जो माउंटेन्स, जैसे रिवर है, रिवर जो है वो माउंटेनियस फ्लो हो रहा है उसका, ठीक है, माउंटेन के ऊपर ये फ्लो करती है रिवर। तो माउंटेन में क्या होता है कि आपका हो जाएगा, सपोज ये आपका हो जाएगा माउंटेन, और माउंटेन के ऊपर जो है इस तरह से फ्लो करती है रिवर, तो रिवर जो है वो माउंटेन के ऊपर फ्लो करती है। ये माउंटेन आपस में जुड़ा हुए थे, ठीक है जी, तो जुड़े हुए थे, समझ में आ रहा है सबको, जुड़े हुए थे। तो ये क्या होगा, ये माउंटेन के एरिया को ये क्या करती जाएगी, काटती जाएगी, ठीक है, इसको कट करते जाएगी, ठीक है। तो कट करते जाएगी तो वो एक वैली के फॉर्म में बन जाएगा, वैली, पहले वो क्या बनेगा, वैली बनेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्ट वैली, ठीक है, दिस इज नोन एज रिफ्ट वैली। तो इस तरह से आपका बन जाएगा एक वैली, मतलब डाउन मोस्ट पार्ट बनेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्ट वैली। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आर नॉट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। और जब यही रिफ्ट वैली ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब इसका फर्दर जो है वो इस पार्ट का कट होते लगता है, किसके थ्रू? अगर ये पार्ट कट होता है, जो भी इसके स्ट्रीम्स हैं रिवर्स के, उसके थ्रू अगर ये कट होता है तो ये बाद में बनते हैं गॉर्ज बना लेते हैं। जो इसका बड़ा पार्ट है, बिगर पार्ट जो होता है, वो आपका क्या निर्माण करता है, किस चीज को बनाता है? बिगर जो रिफ्ट वैलीज हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये गॉर्ज का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो बिगर रिफ्ट वैली क्या करते हैं, इसमें गॉर्ज का फॉर्मेशन करते हैं, तो गॉर्ज बनाते हैं। तो गॉर्ज समझ में आया ना सबको, इसको बोलते हैं गॉर्ज, GORGES, गॉर्ज। आपको समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग मैप बनाएंगे इंडस रिवर सिस्टम का। हो गया था क्या हो रहा है मैप? क्या दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं दिख रहा, आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? दिख रहा है ऐसे जो है, इतना दूर से दिख रहा है आपको इंडस रिवर दिख रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? जम्मू कश्मीर से। अब यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, देखेंगे वन बाय वन, हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैप बनाएंगे, ठीक है? उसमें आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी, नथिंग। सर पहले ये बता दो, मतलब ये जाएगा कितना लंबा था कि बनाते बनाते इधर दूसरे पहले पहुंच जाएगा? ये छोटा है, ये लंबा नहीं जाएगा, ये जो है वो छोटा है आपका, ये लंबा नहीं जाएगा। और ये बस देखो, ये इतना ही पार्ट हम लोग लेंगे, कौन कौन सा पार्ट समझ लो आप, जम्मू कश्मीर का पार्ट लेना है, हिमाचल प्रदेश का पार्ट होगा, पंजाब का पार्ट होगा, और उत्तराखंड का पार्ट लेंगे, बस इतना ही हम लोगों को बनाना है, बाकी ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है ना? गंगा रिवर सिस्टम का इंडिया में एक्सपेंशन ज्यादा है,
एक्सपेंशन ज्यादा। अच्छा गंगा रिवर जो है लास्ट में आपको बताया था कि बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ जाके गिरती है और किससे किससे जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र से। उसके बाद उसका क्या नाम होता है, कौन से? नहीं, मेघना रिवर। ठीक है, तो मेघना रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है मेघना, इसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी है। इसके बाद इंडस रिवर सिस्टम है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सबका अलग अलग रिवर सिस्टम है। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स है ना वो हम लोग करते हैं। उसके बाद पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर जो है वो आपका है जिसमें गोदावरी आपने पूछा था, कावेरी हो जाएगा, ठीक है, उधर के जो भी रिवर्स है नर्मदा तापी, ठीक है। तो दो ऐसे रिवर्स है ना जो, देखो सभी रिवर्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। सभी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट में सबका फ्लो होता है, लेकिन दो ही ऐसे रिवर्स हैं जिनका ईस्ट से वेस्ट में फ्लो होता है। कौन कौन से? नर्मदा और तापी, ठीक है, तापी जिसको बोलते हैं, टी ए पी आर, सबको याद है। ठीक है, समझ में आया नहीं है? अब उसके बाद अब मैप पे हम लोग देखेंगे रिवर्स, तो मैप पे रिवर्स जो है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर कट जो है वो व्यू आएगा और आपको समझ में भी आएगा एक एक पॉइंट, ठीक है जी। तो इंडिया का मैप हम लोग बनाएंगे, और कौन सा मैप, केवल उसमें बस यही लेना है जम्मू कश्मीर पंजाब उत्तराखंड और ये एरिया, बस इसी एरिया को लेना है, ठीक है। हाँ, इंडिया का मैप कम से कम आना चाहिए, ज्योग्राफी पॉइंट है ना, इंडिया का मैप आप लोगों को बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बनाओ, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आसान है ना? यस सर, अभी मत भेज बात में होता है। मैं पाना चाहिए आपको बनाने, ठीक है, बस हम लोग इतना ही लेंगे, ज्यादा एरिया नहीं लेंगे, ठीक है, इतना ही बस लेना है। और आगे जो है इसको बना लेते हैं हम लोग, आगे का जो एरिया है, ठीक है, आगे का जो एरिया है, मतलब ऐसे ये जो पार्ट है ना ज्यादा दिखाया नहीं जाता है, ऐसे ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो यही एरिया बस है, ये वाला पार्ट, ठीक है जी। तो ये जो है इंडिया का क्या है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ मोस्ट पार्ट है वो है, ठीक है। तो आपको पता है ना ये पूरी लेंथ कितनी है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी लेंथ है जी, किसी को याद है? हाँ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर, इसको लिख लो ना एक साथ में, 3214 किलोमीटर ये लेंथ है। ये कितनी है, ये कितनी है फ्रॉम कहाँ, गुजरात से, गुजरात में कौन सी जगह से, भूल गए सब लोग, 2933 2933 किलोमीटर, ठीक है, कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश से। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक, कन्याकुमारी, ठीक है, पता है ना सबको पॉइंट, क्या क्या बोलते हैं पॉइंट को, इंदिरा पॉइंट, ये सब इंदिरा कोल, सब पता है ना, डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब पता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से भी पूछे जाते हैं। अब इसके लिए भी अलग से लेना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर इंडिया जो है वो पूछा जाता है कि इंडिया जो है वो अगर हम देखें एरिया वाइज, एरिया वाइज कौन से जो है प्लेस पे आता है, एरिया वाइज अगर बात करें तो, और पॉपुलेशन वाइज सेवन प्लेस पे, इसके आगे कौन कौन सी कंट्रीज है, सबसे पहला कौन सा है, चाइना, ये सब पता है ना। इसके बाद जो है वो और अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो कौन सा पता है सबको, उसके पहले भी कौन सी कंट्रीज हैं, थर्ड जो है वो एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन है पूरे वर्ल्ड में, ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन जो है। और सबसे छोटा जो है कंट्री कौन सा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सबसे छोटा कंट्री। अच्छा अंटार्कटिका कोई कंट्री है, क्यों नहीं कंट्री है, क्वाय कंट्री होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, हाँ लोग होने चाहिए, और सर एक वो भी होता है ना कि और पैरामीटर होता है, और
मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं देखिए, अब समझिए हम लोग चलते हैं इंडस रिवर सिस्टम पे, जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आपसे बस पूछ रहे थे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना, और बाकी इसके प्रोजेक्ट जो है ना गंगा रिवर, जितने प्रोजेक्ट है अब तक नमामि गंगे, गंगा एक्शन प्लान जो भी अभी तक बनाए गए हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट जो भी बांध है डैम है उसके ऊपर, वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डैम जो है रिवर्स के ऊपर, रिवर्स तो अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लेना। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक या दो आते ही आते हैं, ठीक है। वो अलग बात है किसी साल का पूछे, लेकिन हर एक एग्जाम में से एक या दो क्वेश्चन फंसेंगे फंसेंगे। उसके बाद आपको डैम के ऊपर आता है, ठीक है। डैम के ऊपर पूछ दिया, या तो डैम के ऊपर पूछ देगा, रिवर्स के ऊपर पूछेगा, एक या दो क्वेश्चन आएंगे आएंगे इससे हमेशा हर एक एग्जाम में आते हैं। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये पार्ट जो है, आपको पता है कि ये पार्ट जो है, ये इतना पार्ट, ये कौन सा रीजन है, ये रीजन आप देखेंगे तो ये रीजन आपका है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो ये रीजन आपका क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, ठीक है। ये पूरा अब आपको अंडरस्टूड है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक और मार्कर हमको दे दीजिएगा आप, इसलिए कि इसमें काफी ज्यादा वो लगेगा मार्कर, और आप जाओ गो एंड टेक मार्कर, मार्कर आप ले आओ, एक और डोंट डिस्टर्ब द फेस ऑफ द क्लास, ओके। देखिए ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जो एरिया होगा, ये एरिया, ये एरिया, इस एरिया को क्या बोलेंगे, ये एरिया, लेकिन ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। You can see that, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसलिए कि इसमें एचपी बस लिख देते हैं एचपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा रीजन होगा जी, ये कौन सा रीजन होगा, पंजाब का, दिस इज योर पंजाब, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा पंजाब। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ये हो जाएगा उत्तराखंड, आप देखो ये एरिया जो है, ये रीजन, इसकी जगह हम लोग क्या बोलते हैं, ये रीजन जो है आपका लद्दाख, कौन सा रीजन, कश्मीर, ये रीजन जो है आपको यहाँ से कम है, ज्यादा बना दें, ये रीजन जो है ना, ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका है पीओके का रीजन, ठीक है। ये रीजन किसका, पीओके का, इसको बोलेंगे हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये कब ऑक्यूपाइड हुआ था, 1947 में, देखो 1947 में जब हमारा कंट्री जो है वो अलग हुआ था, सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, कौन सा पाकिस्तान, वेस्ट या ईस्ट, ईस्ट पाकिस्तान किसको बोलते हैं, यस यू वांट टू आस्क समथिंग, अच्छा तो ये आपका पीओके का रीजन है, समझ में आया सबको। तो देखो यहाँ पे रेंजेस हैं आपको, ये यहाँ पे पड़ता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, पता है ना सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे एकदम पार्ट इधर है इसका, इधर कई पार्ट में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सबको पता है ना सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे। अब देखो इसके बाउंड्रीज जो है, इधर आपका क्या है, इधर का एरिया जो है वो आपका पाकिस्तान का है, उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद इधर का एरिया क्या है, चाइना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे तिब्बत, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल, सबको पता है ना, देख के भी बोल सकते हैं आप लोग, वहाँ पे मैप लगा हुआ है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, अब देखो इसमें रेंजेस हैं, आपको बताया थे जो ट्रांस हिमालयन रीजन में, ये कौन सा रीजन में पड़ता है, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है वो ट्रांस हिमालयन रीजन में पड़ता है, या इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालयन रीजन, या और क्या बोलते हैं, हिमाद्री नहीं बोलते इसको, और काराकोरम रेंज नहीं, ट्रांस हिमालयन रीजन, समझ में आया ना। तो ट्रांस हिमालयन रीजन में आप देखोगे सबसे ऊपर ये जो रेंज होता है, ये आपका यहाँ पे रेंज होगा, इस रेंज को बोलेंगे काराकोरम रेंज, आपका रेंज कैसा हो जाएगा, काराकोरम रेंज, समझ में आया। इसके बाद जो रेंज होता है ये आपका होता है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज,
ठीक है जी, ये आता भी आपको पूछा भी जाता है इसमें। इसके बाद कौन सा रेंज जाता है जी? इसके बाद जो होता है वो जास्कर रेंज हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये रेंज होगा और ये हो जाएगा आपका जास्कर रेंज। क्लियर है ये जास्कर रेंज। और तीसरा चौथा रेंज होता है और ये आपका हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग पीर पांजल रेंज। यू कैन सी दैट पीर पांजल रेंज। समझ में आया सबको? तो देखो जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है यहाँ से। यहाँ पे आपका मान सरोवर लेक है, सपोज हियर इज अ मान सरोवर लेक, ठीक है। और मान सरोवर लेक ये तिब्बत का एरिया है। कहाँ का एरिया है आपका? तिब्बत का, ठीक है। तिब्बत इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, डोंट माइंड दैट, तिब्बत। और ये जो है कैलास रेंज में आता है। कौन से रेंज में आता है? कैलास रेंज में। ये ग्लेशियर जो है इसको बोलेंगे हम लोग शेमा यूडोंग, शेमा यूडोंग ग्लेशियर, ठीक है। इससे ओरिजिनेट होती है शेमा यूडोंग ग्लेशियर। इसके नीचे जो है ना, इसके नॉर्थ आप बोल सकते हैं, नॉर्थ जो ये आपका साउदर्न पार्ट है इधर का, यहाँ पे रक्ष ताल होता है। रक्ष ताल इसको बोलते हैं, रक्ष ताल या रक्ष रेंज बोलते हैं। रक्ष आप वहाँ पे ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ताल भी बोलते हैं। बहुत लोग उसको राक्षस ताल भी बोलते हैं, ठीक है, राक्षस ताल। समझ में आया? उसको रक्ष ताल बोलते हैं वैसे। यहाँ से जो है इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। क्लियर है जी सबको? इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से। और ये जो है पास करती है कहाँ पे? ये जो है इंडिया में, ये जो है ये जगह है इसको बोलते हैं दम चौक। दिस इज नोन एज दम चौक। सबको समझ में आया? तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ना इसको, हिंदी में भी सेम नाम है, लिख लेना दम चौक, दम चौक, ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ से इंडस रिवर, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से, मानसरोवर लेक से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। यहाँ पे दम चौक में आती है, ठीक है। तो दम चौक के बाद इंडिया में ये एंटर करती है। सबको समझ में आ रहा है? इंडिया में एंटर करते हैं। ये रीजन क्या है? ये कौन सा रीजन? ये पाकिस्तान का रीजन है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, ये पाकिस्तान का रीजन है। दिस इज द रीजन ऑफ पाकिस्तान हियर। ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान का रीजन। तो अब यहाँ पे देखो क्या आप दम चौक ये यहाँ से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, लद्दाख रेंज से होते हुए, ठीक है। तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख और जास्कर रेंज में, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीचों बीच होते हुए ये पास करती है इंडस रिवर। समझ में आया सबको ये पॉइंट? तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में ये पास होते हुए इस तरह से आती है, ठीक है जी। और पीओके के एरिया से, पीओके के एरिया से ये जो है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसका नाम है क्या? चिल्लास। इसको बोलेंगे हम लोग चिल्लास, इसको बोलेंगे चिल्लास। ये एरिया से जो है वो फिर कहाँ पास होती है, ठीक है, यहाँ से ये फिर पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे कि पाकिस्तान इस एरिया में आना। अब देखो पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है, आपको पता है कौन सा बॉर्डर है? अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, इसको बोलते हैं अटारी इस एरिया को। और दूसरा बॉर्डर भी है, दो बॉर्डर और कौन सा? बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर, दो बॉर्डर हैं जो पंजाब से जुड़े हैं, पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, अटारी अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर, जो अभी एक हुआ था ना एयर वाला आया था ना वापस, क्या नाम था? अब इसके बाद देखो दूसरा, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर जो है वो आपका ये हो जाएगा इंडस रिवर। तो इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, दम चौक के रास्ते, लद्दाख लेक के रास्ते होके, ठीक है, पीओके से रास्ते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ही रीजन है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के होते हुए पाकिस्तान निकलती है। दूसरा आपका जो एरिया है, दूसरा जो रीजन है वो कौन सा होगा? तो आपको देखो ये हिमाचल प्रदेश, समझो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे जो है
यहाँ पे एक पास है, ठीक है, कौन सा पास है, दो पास है यहाँ पे, एक होता है बारह लाचा पास उसको बोलते हैं और दूसरा है रोहतांग पास, ठीक है। तो एक पास है इसका नाम है बारह लाचा ला पास, ये जो है कहाँ पे है, बारह लाचा ला पास, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब आगे देखो, अब मैप बनाना स्टार्ट कीजिए सब लोग, ठीक है, यहाँ से मैप स्टार्ट होता है। इसमें देखोगे दो जगह है, बारालाचा पास में एक स्ट्रीम है, दो स्ट्रीम यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है, एक को बोलते हैं आप लोग चंद्रा और दूसरे को बोलते हैं भागा, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रीम मिलती है, बारालाचा पास है ये, यहाँ से दो स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और दो स्ट्रीम जो है ओरिजिनेट होके मिलती है एक साथ, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं चंद्रा, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं चंद्रा और इंग्लिश में बोलते हैं इसको चंद्रा, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा भागा, क्लियर है। तो बारह लाचा पास में चंद्रा और भागा जो ओरिजिनेट होके, ठीक है, ओरिजिनेट होके ये कैसे जाते हैं, तो इधर से जाते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होके ये यहाँ से होते हुए यूं होते हुए जाते हैं। ये यहाँ पे जगह है रियासी, सबको पता है रियासी में, रियासी जगह है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के रियासी जगह, कश्मीर के रियासी जगह से ये पार होता है, ठीक है, चंद्रा और भागा, ये आपका हो जाएगा भागा, समझ में आ रहा है। तो रियासी रीजन से पार होते हुए, ठीक है, ये फिर आता है आपका, ये कौन सी नदी है, यहाँ से ये नदी जो ओरिजिनेट होती है ये मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग चेनब, ठीक है, रियासी रीजन यहाँ पे है, और ये नदी जो है वो चंद्रा भागा, और ये कौन से दर्रा से, बारालाचा पास, ये जो है बारालाचा, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्रा, दर्रा इसको लिख सकते हो बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, लाचा ला होगा, सॉरी, क्लियर है सबको, बारह लाचाला दरला दरला। तो यहाँ से जो है वो भागा, भागा और चंद्रा, यहाँ से जो है कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है जी, यहाँ से जो नदी हो जाएगी उसको बोलेंगे चेनब, ये नदी जो होती है उसकी नाम हो जाएगा चेनब, ठीक है, इसको बोलते हैं चेनाब भी बोलते हैं, ठीक है, चेनब रिवर, समझ में आया। तो ये चेनब रिवर हो गई, एक देखो एक रिवर जो जनरेट होती है उसका नाम है झेलम, ठीक है, तो झेलम जो है वो यहाँ से जनरेट होती है, यहाँ पे एक जो है वो लेक है जिसका नाम है वेरी नाग लेक, ठीक है, कश्मीर में ही लेक है ये, इसका नाम क्या है, वेरी नाग लेक, वेरी नाग लेक, जम्मू कश्मीर में ही, कश्मीर का ही एरिया है, ठीक है, तो वेरी नाग लेक, ठीक है, वेरी नाग लेक से ये फिर बुल्लर लेक के रास्ते, उलर लेक, समझते हैं आप, उलर लेक, उलर लेक इसको बोलते हैं, उलर लेक के रास्ते, उलर लेक क्या है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, कहाँ थी, इंडिया के वर्ल्ड पर, इंडिया की, ठीक है। तो ये देखो कि उलर लेक जो है वो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ की है, इंडिया की, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, बुलर लेक, तो यहाँ से जो है ये वेरी वेरी नाग, ठीक है, वेरी नाग लेक से बुलर लेक के रास्ते ये नदी जो निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग झेलम, दिस रिवर इज नोन एज झेलम रिवर, ठीक है जी, झेलम रिवर, समझ में आया, झेलम रिवर ये हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं ये झेलम रिवर जो है वो आगे आगे, ठीक है जी, ये पीओके के रीजन से आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है, ये यहाँ पे मिलती है, ठीक है, ये रीजन क्या हो जाएगा, ये कौन सा एरिया है जहाँ पे मिलती है, इसको बोलते हैं झुंग, एरिया जो है पाकिस्तान में है इसको हम लोग बोलेंगे झुंग, झुंग एरिया, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप झुंग, एरिया को हम लोग बोलते हैं झुंग, समझ में आया। फिर उसके बाद जो है ये चेनाब रिवर और झेलम रिवर, ये कौन सी रिवर है, झेलम, झेलम रिवर जो है वो
चिनम रिवर से मिलती है कहाँ पे, झूम झूम एरिया में, समझ में आया। यहीं पे एक और है रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास से जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है जी, रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है यहाँ से रिवर, ठीक है, यहाँ से भी रिवर जनरेट होती है। और ये जो है पंजाब के रास्ते, ठीक है, पंजाब के रास्ते, अच्छा ये इसमें होना चाहिए था थोड़ा सा, गलत बन गया है, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। ये पंजाब के रास्ते जो है इसमें मिलती है, ठीक है, कौन, ये हो जाएगा आपका रावी रिवर है, रावी, दिस इज योर रावी। देखो इसको रावी भी बोलते हैं कई लोग, और कई लोग बोलते हैं रावी रिवर, ठीक है जी, रावी रिवर, ये हो जाएगा आपका रावी, ठीक है। तो रावी रिवर कहाँ से जनरेट होती है, रोहतांग पास, तो रोहतांग पास आप देख सकते हैं, ठीक है, रोहतांग पास से ये जनरेट होती है, समझ में आया सबको। अब ये रोहतांग पास से जनरेट होती है, और ये जो है वो चेनम में मिलती है, चेनम में उसको बनाएंगे सब लोग, चेनम में मिलती है रावी रिवर जाके, और चेनम में यहाँ पे मिलती है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सराय सिंधु, इसको बोलते हैं हम लोग सराय सिंधु, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग सराय सिंधु, मन में आया सबको, सराय सिंधु, सराय सिंधु पाकिस्तान में ये जगह है, सराय सिंधु यहाँ पे आपकी मिलती है, ठीक है, ये पाकिस्तान में जो जगह है इसका नाम है सराय सिंधु, इसको लिख सकते हो आप अच्छे से, हो जाएगा झूम, और ये हो जाएगा आपका सराय सिंधु, इसको हिंदी में भी लिखोगे तो हो जाएगा सराय सिंधु, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका सराय सिंधु, समझ में आया, ये हो जाएगा सराय सिंधु, और ये हो जाएगा झूंग रिवर, मतलब सॉरी झूंग एरिया है, और यहाँ पे कौन सी रिवर है जी, झेलम, और यहाँ पे लिख लीजिए आप झूंग जो है, झूंग ये क्या है, झूंग जो है वहां पे दोनों रिवर मिलती है, कौन कौन सी, झेलम और, झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब रिवर जो है, चेनाब नदी होगी, ठीक है, कौन से एरिया पे, झूंग झूंग पे। दूसरा है आपका सराय सिंधु, दूसरा है सराय सिंधु, तो सराय सिंधु जगह पे कौन सी नदी मिलती है, चेनाब रिवर, चेनाब रिवर और प्लस रावी, चेनाब रिवर एंड प्लस रावी, इसको बोलते हैं आर ए बी आई, रावी रिवर, ठीक है। तो रावी रिवर को हम लोग ट्रिब्यूटरीज भी बोलते हैं, देखो ये रावी रिवर जो है वो इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, रावी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की, ठीक है, तो चेनाब रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, रावी रिवर, रावी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनम, ठीक है, तो चेनम और मतलब सॉरी ये झेलम की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, झेलम की ट्रिब्यूटरीज कौन सी, चेनम और ये रावी, दोनों हो जाएंगी, ठीक है, तो रावी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम, तो झेलम की ट्रिब्यूटरी हो गई। और दूसरा हो जाएगा आपका इसमें, ये झेलम हो गया और दूसरा हो जाएगा चेनम रिवर, ठीक है, तो चेनम रिवर भी इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी, चेनम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑफ झेलम, ठीक है। तो स्पेशली रावी रिवर का क्वेश्चन आया है एग्जाम में है, तो रावी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम और चेनम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है, तो दोनों जो है वो झेलम की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये आपका हो जाएगा सराय सिंधु, आगे देखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा रोहतांग पास, आगे जो है आपका ये रिहायशी, ये जगह जो है ना रिहायशी जहाँ से पास होती है, इस तरह से पास होती है रिहायशी जगह का नाम है, यहाँ पे ऐसे बना लो आप, रिहायशी जगह, रिहायशी में क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ है रिहायशी की, अगर बात करें तो रिहायशी में क्या है, रेलवे लाइन भी बन रहा है ना,
पता है रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे लाइन पे, यहाँ पे पास हुआ है। ठीक है, रियासी एरिया में, रियासी जो है काफी ज्यादा बड़ा एरिया है जहाँ से चेनम रिवर जो है वो पास करती है रियासी एरिया से। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, ये समझ में आया सबको? हाँ, ये पीओके जब है नहीं तो आतंक मैप में अभी है नहीं ना पार्ट इंडिया का। हाँ, तो ये मैप में क्यों शो करते हैं? इसलिए मैप में शो करते हैं कि हमारा ही पार्ट है। ठीक है, पाकिस्तान ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा ही पार्ट था पहले, इसलिए हम शो करते हैं अभी इंडिया में, इसलिए कि पाकिस्तान का भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का भी नहीं, और इंडिया जो है मतलब उसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, वो इंडिया का ही पार्ट है लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, इसलिए हम लोग दिखाते हैं कि नहीं ये हमारा ही पार्ट है। समझ में आया? अब वो सब पार्ट है बांग्लादेश हो गया, चाहे नेपाल का एरिया हो गया, तो बांग्लादेश को हमारे मैप में नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि वो बांग्लादेश का पार्ट अलग से है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, पीओके के ऊपर, ये इंडिया का ही पार्ट है देखो, और ये ऑक्यूपाई भी नहीं होना चाहिए, ऑक्यूपाई हो जाएगा तो देखो ना फिर ये पार्ट बन जाएगा, इसका जो शो है ना वो खत्म हो जाएगा, इंडिया का जो अपर मोस्ट पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, इसका जो ये शो बनता है इस तरह से, शो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा फिर, तो ये होना नहीं चाहिए, वैसे ही हमेशा ऐसे ही रहेगा पीओके का रीजन। क्या हो सकता है कि बाय द वे आगे चल के इंडिया ने ऑक्यूपाई किया ये रीजन को, आपका पूरा ये भी इंडिया में ही आ जाएगा। लद्दाख का रीजन जो है इसको बोलते हैं अरुणाचल में जो कब्जा किया ना, अरुणाचल में भी कब्जा किए हुए हैं, अक्साई चीन के भी एरिया में भी जो आप देख लो कब्जा किए हुए हैं, पता नहीं क्या पूरा अरुणाचल में गिर गया। हाँ, वो तो धीरे धीरे तो अपना वो बैठा ही है ना, जो अपने आर्मी का कैंप है वो भी धीरे धीरे जो है वो अपना बढ़ा रहे हैं। मैप में भी तो क्या तो मैप में क्यों दिखेगा, मैप में वो थोड़ी दिखाएंगे, वो तो जबरदस्ती हो रहा है ना, वो बात वो गवर्नमेंट को चाहिए ना, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए उसके में जो एक्शन लेना है, ले सकते हैं तो आईसीजे में जो है वो चाहिए कि आईसीजे इनका स्ट्रॉन्ग, आईसीजे में अपना रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, चाइना ऐसा ना करे, लेकिन धीरे धीरे तो कोई भी कंट्री चाहता है कि हम दूसरे कंट्री के ऊपर क्या करें, कब्जा कर लिए, चाहते ही चाहता है, पॉपुलेशन अगर उसकी अच्छी है या टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा है तो वो ऐसा चाहते ही चाहता है, जो बदमाश कंट्री होते हैं इसको बोलते हैं। ठीक है, जो चाहते हैं जिनका मन नहीं बढ़ता कि इतना एरिया जो है हमारे लिए कम है, दूसरे के टेरिटरी को क्या करें कैप्चर करें, तो वो तो होता ही होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे ना, जैसे इंडिया भी, इंडिया में पहले क्या था, पाकिस्तान में था 1947 का पार्ट, पहले का पार्ट देखोगे आप मैप, तो इंडिया का मैप जो है काफ़ी बड़ा है, आप देखोगे ये एरिया पूरा भी क्या है पाकिस्तान में ही है। ठीक है, ये मतलब पाकिस्तान का पूरा एरिया जो है पहले इंडिया में ही आता था। ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश का भी एरिया जो है उसी में आता था, पूरा पूरा एरिया जो है सब उसी में आता था, पूरा एक कंप्लीट पार्ट था, फिर बाद में जाके ये अलग हुआ। समझ में आया? तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे का रीजन और आगे का एरिया हम लोग देखते हैं। ये जो जगह है ना जहाँ पे दम चौक से आके ये एक एरिया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं दम घाटी एरिया जो है वो दम घाटी। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे आगे देखेंगे इसके बाद। इसके बाद यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के बगल में जो है एक ग्लेशियर है। ठीक है, इसके बगल में सियाचिन ग्लेशियर के बगल में ग्लेशियर है, इसके बगल में ग्लेशियर है। इसका मतलब मेनली अगर हम देखें ना इंडस रिवर सिस्टम का, तो इतना ही पार्ट होता है, बाकी जो है वो लोग आगे जो है इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है प्रेजेंट, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है जी, सियाचिन ग्लेशियर के बाद का ग्लेशियर ये है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा ग्लेशियर है, इसका क्या नाम है बता सकता है? इसके इसको बोलते हैं टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर को बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर का ग्लेशियर नाम है टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। हाँ, इसको बोलते हैं टंग। टंग मीन्स यहां से जो है वो उसका टंग स्टार्ट है, मीन्स टंग मीन्स जीभ।
जैसे जब आप एंट्री करते हैं ठीक है तो जीभ के थ्रू एंटर करेंगे किसी के स्टमक में या कहीं भी, तो इसका इसको जीभ कहा जाता है ठीक है। तो कौन सा ग्लेशियर होगा जी बताइए? रूमी ग्लेशियर इसका नाम है, रूमी रूमी ग्लेशियर ठीक है। तो यहां से जो एक नदी बहती है इसका नाम है श्योक नदी, सुना है आपने श्योक नदी ग्लेशियर से स्टार्ट होती है ठीक है। तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी मानी जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग रूमी ग्लेशियर से स्टार्ट होती है श्योक नदी ठीक है जी। श्योक सॉरी और ये इंडस में मिलती है, दिस मींस दैट इंडस, ये इसका है श्योक, तो बोलते हैं एस एच के एस एच वाई ओ के ठीक है श्योक रिवर, समझ में आया। तो श्योक रिवर जो है यहाँ से ये निकलती है श्योक रिवर, इसका नाम है श्योक, इसको बोलेंगे हम लोग श्योक नदी। श्योक नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये काफी ज्यादा ये हो गया ना एक ही में हो गया क्या क्या अब नहीं थोड़ा सा बड़ा बना दे क्या अब इतना ही है। देखो दो तीन नदी इधर से है वो हम आपको बता देते हैं, ज्यादा इसमें रिवर नहीं है, इंडस के जो मेन ट्रिब्यूटरीज है ठीक है, एक है स्वात रिवर, स्वात रिवर के बताएंगे जिसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है हेवन ऑफ पाकिस्तान ठीक है, तो हेवन ऑफ पाकिस्तान उसको बोला जाता है स्वात रिवर, उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। दो रिवर मैं कह रहा था ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना इनको ना यहाँ लिखवा दो क्योंकि इसमें तो समझ आएगा नहीं सर, इसमें से नहीं समझ आएगा नहीं सर, जैसे वो लिखवाए ना पॉइंट वैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा दो वहाँ पे तो सर वो सही रहेगा थोड़ा, मतलब इसमें कितने लोगों को नहीं समझ आया सब लोग लिखेंगे लिखेंगे सब लोग इसको, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखेंगे। मैप देख लिया ना सब लोगों ने, बाकी अभी और इसमें है थोड़ा सा वो हम आपको बता देंगे। इंडस रिवर, इंडस रिवर जो है वो एंटर करती है, सुन लो जी सब लोग लिखेंगे, एंटर करती है कहाँ पे, आपको बस पॉइंट्स के फॉर्म में चाहिए, मैप वगैरह नहीं चाहिए सर। मैप मतलब अभी तो समझ आ रहा है, बाद में फिर जब रिकॉल करूंगा तो समझ नहीं आ रहा ना। तो अच्छा कल वाले जो बताए थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो याद आ गया सर, उसे इंपॉर्टेंट क्लियर कर दो, वो क्लियर था क्लियर था, थोड़ा सा एक साथ ही हॉस्पिटल हो गया, हां थोड़ा सा वो ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। इंडस रिवर जो है आप देखोगे इंडस रिवर कहाँ एंटर करती है, दम चौक, दम चौक एरिया ठीक है। दम चौक आपका है कहाँ पे सर, जे एंड के ठीक है, लद्दाख रीजन, यू कैन सी दैट कौन सा रीजन है, लद्दाख रीजन यस लद्दाख रीजन। और देखो अभी जो है जब एंटर करती है दम चौक में लद्दाख रीजन में, यहाँ से आप मैप यहाँ से आप लिखेंगे जी आगे आगे लद्दाख रीजन के बाद ये जास्कर और जो है लद्दाख रेंज, जास्कर और लद्दाख रेंज के बीचों बीच पार करती है ठीक है। तो इंडस रिवर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इंडस रिवर फ्लो बिटवीन या फ्लोस बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख रेंज ठीक है जी, जास्कर एंड लद्दाख रेंज, जास्कर एंड लद्दाख रेंज। तो इंडस रिवर जो है वो जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में जो है वो फ्लो करती हुई पीओके के रीजन में जाती है ठीक है। तो ये इंडस रिवर जो है वो पीओके के रीजन में है, पीओके के रीजन, इसको लिखोगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर उसके बाद ये इंडिया से बाहर जो है ठीक है वो पाकिस्तान में कहाँ पे एंटर करती है, जो एरिया यहाँ पे इसको बोलेंगे चिल्लास ठीक है जी, एरिया को बोलेंगे हम लोग चिल्लास, चिल्लास इट एंटर्स इनटू, इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान कौन सा इंडस रिवर। इसके बारे में ट्रीटी भी पढ़ाएंगे आपको 1960 में जो ट्रीटी हुई थी
ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने उसको क्या किया था, उस ट्रीटी को फाइनलाइज किया था, जिसमें जैसे ये यहाँ पे क्या है डिस्प्यूट होते हैं ना पाकिस्तान और किसमें इंडिया में, इसलिए कि इंडस रिवर इंडिया से पास करती है तीन जो है ना इसके ट्रिब्यूटरीज, इंडिया यूज कर सकती है 20% वाटर जो है उसका, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो रीजन है वो यूज करेगा, ठीक है। तो तीन रिवर्स को यूज कौन करेगा, तीन रिवर के ऊपर आप डैम भी बना सकते हैं, जो डैम उसमें बना हुआ है वो तीन रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसका नाम है आरबीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। और आरबीएस के अलावा इसमें छह है टोटल ट्रिब्यूटरीज, देखो पहला हो जाएगा आपका इंडस रिवर, दूसरा है आपका झेलम रिवर, तीसरा क्या है चेनम रिवर, और चौथा है आपका कौन सा रिवर है रावी, ठीक है सतलज और सतलज, इसके बाद सतलज है वो भी बताना था, ठीक है। सतलुज जो रिवर है ना, सतलुज रिवर यहाँ से जो रिलीज होती है इसको बोलते हैं रक्स ताल, ठीक है रक्स ताल, यहाँ से ये लिख लो ना रक्स ताल, इसको बोलते हैं रक्स रेंज भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हिंदी में राक्षस ताल। आप लोग बात कर रहे हैं ना इसीलिए जो है इसके लिए पता है फुल कंसंट्रेशन चाहिए, आप लोग बातें करने लग रहे हैं इसलिए जो है इसमें कंसंट्रेशन जो है भंग हो जा रहा है, ठीक है। ये पूरा फुल कंसंट्रेशन से बताने वाला चीज है, राक्षस ताल से जनरेट होती है कौन सी नदी है सतलुज रिवर, ठीक है सतलुज रिवर, ये राक्षस ताल से जनरेट होती है और ये यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है ये जो है पंजाब में आके मिलती है, इससे किससे मिलती है जी रावी से मिलती है, ये पंजाब में आके यहाँ से रावी से मिलती है, तो ये दोनों का जंक्शन जो है इसको क्या बोलते हैं हिरांड एरिया है, इसका नाम है तो हिरन प्रोजेक्ट भी आपने देखा होगा, डैम जो है हिरन डैम भी है, ठीक है और इसको हिरंड एरिया बोलते हैं, ठीक है जहां पे ये क्या है जंक्शन है किसका, इन दोनों का जंक्शन है रावी रिवर का और सतलुज रिवर का, इसको बोलते हैं सतलुज, ठीक है एस यू टी एल ई सी, ठीक है इसका नाम है एस यू टी एल ई सी, बहुत लोग बोलते हैं सतलुज, ठीक है एस ए टी एल यू जी लिखते हैं कई लोग, एस सतलुज एस ए टी एल यू जी ये भी लिखते हैं सतलुज, ठीक है लेकिन ये एक्चुअल में नाम जो आप जब टाइप करोगे ना किसमें गूगल पे ये आपको शो होगा, ये अभी नाम है उसका सतलुज, इसका देखो सबका जो ओल्ड नेम भी आपको हम बताएंगे जो सबके ओल्ड नेम भी है, ठीक है किसके आपको इसका भी इंडस का भी है फिर चेनाब का भी है उसके बाद जो है इसका भी है रावी का भी है सबका ओल्ड नेम भी है इसमें, ये समझ में आया। तो राक्षस ताल से सतलुज रिवर जनरेट होती है जिसमें एक सब पॉइंट लिखते जाओ आप एंट्रेंस होती है ये चिलास हो गया, समझ में आया। दूसरा सेकेंड नंबर पॉइंट इज अब इसके बाद जो है लिखोगे आप झेलम रिवर जो है कहाँ से जनरेट होती है झेलम रिवर जो है जनरेट कहाँ से होती है जी झेलम रिवर हो जाएगा वेरीनाग लेक, ये जनरेट होती है वेरीनाग लेक से, क्लियर है सबको वेरीनाग लेक में आपका हो जाएगा वेरीनाग लेक से ये मुलग लेक से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, क्लियर है पाकिस्तान में एंटर करती है। नेक्स्ट है चेनाब रिवर, ठीक है तो चेनाब रिवर जो है वो कहाँ से जनरेट होती है चेनाब रिवर जिसको हम बोलते हैं, तो चेनाब रिवर जो है वो आपके स्टार्ट होती है चंद्रा और भागा, इसको बोलते हैं चंद्रा भागा, जो स्ट्रीम है चंद्रभागा, ठीक है जी चंद्रभागा यहाँ से जनरेट होती है और ये कहाँ पे जाके मिलती है ये जंक्शन है, जंक्शन किसका झुंग झेलम और चेनाब का और सराय सिंधु चेनाब रिवर और रावी का, ये दोनों लिख लो आप पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा लिखोगे आप रावी जो है कहाँ से जनरेट होती है रोहतांग पास, ठीक है रावी रिवर रोहतांग, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसा नहीं है कि इतना ही है अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें प्रेजेंट, रोहतांग पास से जनरेट होती है ये जो है वो जाके झेलम से मिलती है, ठीक है झेलम से कहाँ मिलती है सराय सिंधु एरिया में, फिर उसके बाद लास्ट लिखोगे आप सतलुज, इसको लिख लो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे सतलुज, सतलुज जो है ये थोड़ा सा वो हो गया बीचपूच हो गया इसलिए कि इसमें अलग अलग अभी इसमें बहुत सारे हैं अभी इतने बड़ा अभी आज नहीं हो पाएगा इसलिए कि अभी और बहुत ज्यादा है
और थोड़ा फायर हो जाओ आगे देखो सतलुज सतलुज का लिख लीजिए आप ये कहाँ से जनरेट होती है सतलुज का राक्षसता ठीक है यहाँ से जनरेट होती है ठीक है राक्षसता ये लिख लो उसके बाद ये कहाँ पे मिलती है हिरण में ठीक है ये जो एरिया है पंजाब का एरिया है वहां पे ये मिलती है किसके साथ रावी रिवर के साथ मिलती है ठीक है जी दूसरा है शोक रिवर शोक रिवर को हम लोग बोलते हैं डेथ ऑफ रिवर्स या डेथ रिवर के नाम से जानते हैं इसको ठीक है शोक रिवर को ये कौन से रेंज में है क्वेश्चन ये भी आता है शोक रिवर कौन से रेंज में लाई करती है लद्दाख रेंज या काराकोरम रेंज नहीं लद्दाख रेंज नहीं होगा ये काराकोरम रेंज होगा ठीक है ये काराकोरम रेंज शोक रिवर आप लिख लेंगे शोक रिवर ये जो है काराकोरम रेंज में लाई करती है वो तो नहीं थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था आपको ठीक है थोड़ा सा और बड़ा बना देना तो पूरा जो है कवर अप होता है अभी और बाकी है इधर इस साइड में अभी इस इधर के रिवर्स हैं इसको आप कर लीजिए उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अभी है रिवर्स इसमें अभी कम से कम 10 रिवर्स हैं और इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक रिवर सिस्टम है ना सबका अलग अलग होगा आप मिक्सअप नहीं करेंगे मिक्सअप करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है मिक्सअप नहीं करना है सबका अलग अलग हम पढ़ रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम का अलग पढ़े उसका इंडस रिवर सिस्टम उसका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम उसके बाद आपका आएगा सतलज सतलज जो आगे जाके है इसके साथ बाकी और सभी रिवर्स को भी डिस्कस करना है उसके बाद रिवर्स के बाद हम लोग